welcome to my channel. My name is Ananta and welcome to yet another color food challenge. And आज हम करने वाले हैं blue food challenge. तो हम 24 hours तक आज blue color के ही food खाएंगे. And ये बहुत ही tricky सा एक food challenge है क्योंकि usually हमें blue, pink, purple color के foods नहीं मिलते हैं. So yeah, आज हम कुछ तो करेंगे एंड अपना ब्लू फूड चैलेंज खत्म करेंगे. एंड ये जो चैलेंज था ये मेरी एक फ्रेंड मधुरिमा का रिक्वेस्ट था. सो मैंने बहुत दिलों से टाल के रखा था कि अब नहीं बट मैं करने वाली हूँ. सो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड उसके पास जो एक बेल बटन है उसको हिट करके उसको ऑल करना. चलिए गाइज, फादर आडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, दिस इज आवर की इन्ग्रीडियंट फॉर दिस चैलेंज. ये है बटरफ्लाई पी ट्री यानी ब्लू टी. तो मैंने इसको अमेजोन से मंगवाया है. ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है एंड ये छोटा सा पैकेट मुझे 200 रुपये का पड़ा है. सो आई होप कि आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा एंड इसको यूज़ करके हम अपना सारा का सारा चैलेंज कम्प्लीट करेंगे. गाइस आज बहुत ठंड है, मतलब आई थिंक 11 बज चुके हैं अभी एंड बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है आज एंड दैट्स व्हाई मैंने चेंज नहीं किया है. डोंट माइंड, मैंने अंदर ब्लू कलर का ही एक टी शर्ट पहना है. ओके, सो या चलिए गाइस, पहले ब्रेकफास्ट बनाएंगे एंड फिर क्या फिर ब्रेकफास्ट बना के ब्रेकफास्ट खाएंगे. चलिए. सो गाइस, मैं बनाने वाली हूँ पैनकेक. तो मैंने छोटा सा एक ग्लास लिया है, उसके अंदर मैं ही डालूंगी अपना ये बटरफ्लाई टी या जो भी है मैं इसको डालूंगी एंड उसके अंदर मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी एंड ताकि ये सोक करके ये ब्लू कलर में आ जाए. तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है एंड मैंने इसको थोड़ी देर तक छोड़ दूंगी. एंड यहाँ पर है हमारा पैनकेक मिक्सर, नॉर्मल जैसे पैनकेक बनता है. इसमें बेकिंग पाउडर है शायद एंड मैदा है, दूध है, चीनी है. इसको ही मैंने अच्छे से मिक्स किया. मैंने एग नहीं डाला है क्योंकि उससे थोड़ा सा येलो इफेक्ट आ सकता था. एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारा ये ब्लू टी ऑलरेडी ब्लू हो चुका है. तो मैं अब इसके अंदर इसको ऐड करूँगी धीरे धीरे से एंड मिक्स करने वाली हूँ. सो गाइज, इसमें बहुत सारा मैंने डाल दिया, उसके साथ मैंने पी फ्लावर्स भी डाल दिए क्योंकि कलर नहीं आ रहा था एंड मैं परेशान हो चुकी थी. तो इसको मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया था एंड बाद में थोड़ा सा ब्लू कलर आ गया था. एंड ये हमारा पैनकेक डोसा बन चुका है इतना बड़ा, बट आई एम हैप्पी कि इसका कलर तो आ चुका है एटलीस्ट. सो गाइज, दिस इज आवर ब्लू पैनकेक. तो पैनकेक क्या हो गया था, बहुत बड़ा हो चुका था एंड वो फट गया था जब मैं उसे ऐसे निकालने गई थी. बट आई एम हैप्पी कि ये ब्लू कलर में आया है. एंड ये जो पी फ्लावर्स है ना, ये वर्क तो करते हैं बट मतलब आपको थोड़े से पानी में बहुत सारा भिगोना पड़ता है. सो इतना बचा है मुझे, बाकी लंच डिनर के लिए यूज़ करना पड़ेगा. बट मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा है, टेस्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है इसका, बट ये थोड़ा सा फट चुका है. बट आई एम हैप्पी कि ये ब्लू तो बना है. हमारा चैलेंज ब्लू फूड है, अच्छे शेप वाला चैलेंज नहीं है गाइस. सो चलिए गाइस, दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट एंड मैं इसको ही खाने वाली हूँ. आइडिया मिल चुका है कि बाकी का चैलेंज बहुत टफ होने वाला है क्योंकि लिटरली इसको बनाने के लिए मेरी जान निकल गई. बट या मैंने बना तो लिया, अब खाएंगे. बट ये टेस्टी है, मुझे पता है. सो या दिस इज आवर ब्लू पैनकेक. इसमें चीनी थोड़ा सा कम है क्योंकि नहीं खाना चाहिए चीनी ज़्यादा, लेकिन अच्छा है. मैंने इसमें वो पी फ्लावर्स भी डाल दिए थे, टेस्ट करके देखता हूँ कैसे लगता है. दैट टेस्टलेस, খেয়ে দেখ কেমন হয়েছে. ভালো নাকি ভালো না, ওটা কি চিনি কম, চিনি বেশি দিইনি. তো গাইস, আমার ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে एंड मुझसे कभी भी मैं चीला बनाऊँ या फिर जो एक का नॉर्मल ऑमलेट होता है वो बनाऊँ, डोसा बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, मुझसे एक बार में वो पूरा नहीं निकलता, वो टूट ही जाता है. सो वैसा ही हुआ आज. एंड मैंने बहुत सारा आई थिंक जो फ्लावर का पानी डाल दिया था तो वो पतला हो गया था. फिर मैंने उसके अंदर मैदा डाला तो चीनी थोड़ा सा कम हो गया,
तो चीनी थोड़ा सा कम था, अदरवाइज ठीक था। तो या अब हम मिलेंगे सीधा लंच पे। लंच पे पता नहीं मैं क्या बनाऊंगी, क्या खाऊंगी, क्योंकि कलर मैंने मतलब जान जला के मैंने इसके अंदर कलर डाला है। सो या लेट्स सी। एंड यहाँ पे है गुल्लू। सो गाइस, इधर मैंने बहुत ही कम पानी में इनको भिगो के रखा है ताकि इनका जो कलर है वो ज़्यादा गाढ़ा आए एंड हमारा जो लंच है वो ज़्यादा ब्लू ब्लू बन जाए। तो यहाँ पर हमने सोचा है कि हम बनाएंगे मैगी, एंड मैगी को हम इस बार थोड़े से अलग टाइप में बनाएंगे, जो कि क्रीमी मैगी होता है वो। तो हमने दूध में मैगी को यहाँ पर बॉयल किया, हमने पानी नहीं यूज़ किया है। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं हमारा ब्लू कलर के जो पानी था वो, एंड ये थोड़ा सा ब्लू तो हो रहा था बट हमें बाद में फिर इससे थोड़ा सा ऐड करना पड़ा, एंड इसको हमने बॉयल होने दिया। हमने क्रीमी मैगी इसीलिए बनाया क्योंकि वाइट जो है दूध होता है, दूध वाइट होता है यस, एंड उससे हमारे कलर को एक बेस मिल जाएगा। दैट्स व्हाई हमने इसमें दूध यूज़ किया है, एंड ये बहुत ही प्यारा एक पेस्टल ब्लू कलर आ रहा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने बॉयल किया है एंड सॉल्ट डाला है हमने इसमें। तो थोड़ा सा बॉयल करने के बाद हमारा जो मैगी है वो रेडी है। दिस इज़ अवर ब्लू मैगी एंड इसमें से वही दूध दूध वाला कुछ स्मेल आ रहा है बिकॉज हमने इसमें मिल्क नहीं बनाया है, वो चीज़ी या फिर क्रीमी मैगी जो बोलते हैं वो। सो खा के देखते हैं कैसे बनाए। उतना बुरा नहीं है, सिर्फ मसाले की तो थोड़ी सी कमी है, तो थोड़ा सा फीका फीका है, बट उतना बुरा नहीं है। तो गाइस ये हमारा लंच है। इसको खाने के बाद नहा धो के हम सीधा मिलेंगे स्नैक्स के टाइम पे। टिल देन कीप वाचिंग। सो गाइस इट्स स्नैक्स टाइम एंड मेरे सामने के हेयर थोड़े से भीगे हुए हैं क्योंकि मैंने अभी फेस वॉश किया है। एंड ये है हमारा ब्लू टी, एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा पत्ता भिगो के रखा था इतने से वाटर में। तो मैंने मतलब इसको ऐसे टेस्ट करके नहीं देखा है, मैंने मिक्स करके टेस्ट करके देखा। तो मैं थोड़ी सी ऐसे खा के देखूंगी। नॉर्मल पानी की तरह ही है, सिर्फ थोड़े थोड़े से वो पाउडर जैसे कुछ है, अदरवाइज थोड़ा सा कुछ अलग है बट मैक्सिमम पानी जैसा ही लगता है ये पीने को। तो गाइस इसमें हम ऐड करेंगे ये ठंडा ठंडा स्प्राइट ताकि ये थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स जैसा लगे हमें। ओके कलर में उतना इफेक्ट नहीं आया। ये है हमारा कोल्ड ड्रिंक्स टी के साथ को स्प्राइट। सो जस्ट टेस्ट करके देखते हैं। ये नॉर्मल पानी जैसा लग रहा है बट लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें स्प्राइट है क्योंकि स्प्राइट की क्वांटिटी हमने इतना डाला है एंड पानी ज्यादा था, दैट्स व्हाई नॉर्मल। Guys, this is our blue cold drinks. बड़ा मजा आ रहा है खाने में। डिनर में मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं कि हम क्या बनाएंगे क्योंकि सब तो हमने बना लिया, मैगी पैनकेक। सो डिनर के लिए कोई लाइक नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। वैसे मजा लग रहा है, ये हेल्दी भी है अनहेल्दी भी है क्योंकि ये टी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है जैसा कि मुझे थोड़ा बहुत पता चला है, एंड ये कोल्ड ड्रिंक्स तो अनहेल्दी है। सो इट्स ओके।
मैंने बहुत दिन से खाया भी नहीं था कोल्ड ड्रिंक्स। हमारा स्नैक्स हो गया बहुत ही हल्का पतला लिक्विड लिक्विड पानी पानी स्नैक्स था हमारा, बट ठीक है क्योंकि पूरा दिन हमने बहुत उल्टा सीधा खाया है एंड डिनर भी उल्टा सीधा ही होने वाला है क्योंकि ब्लू कलर का डिनर नहीं मिलने वाला, बनाना पड़ेगा कुछ। सो या लेट्स सी। सो गाइस डिनर में हमने बनाया है सूजी एंड आई एम हैप्पी कि मुझे अचानक से ये आइडिया आया एंड इसमें हमने वो सेम ब्लू टी ऐड किया है एंड बहुत ही प्यारा पेस्टल कलर आया था, मुझे देख के बहुत मज़ा आया कि टेस्ट कैसा भी हो तो मैं तो खा लूँगी इसको आराम से एंड बहुत ही प्यारा लग रहा था। एंड या हमने इसको बनाया है, अब थोड़ा सा बॉयल करने के बाद इसमें बस हम चीनी डालेंगे एंड अब चाहो तो घर में बना रहे हो तो रेजिन्स कैशियो वो डाल सकते हो, बट हम नहीं डाल सकते, हमने सिर्फ लास्ट में इसमें थोड़ा सा चीनी डाला है एंड फिर से हमने इसको उतार लिया है एंड दिस इज आवर डिनर। तो फोनটা দে দে কালারটা না ভালো আছে আমারটা দে যেটু কষ্ট করে আসে। सो गाइस प्लान में तो जैसे कि मैंने बताया आपको चेंज आ गया, हमने सूप नहीं बनाया हमने सूजी बनाया एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने सूजी बनाया क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आया है। अगर हम सूप बनाते तो शायद ये फेल भी हो सकता था, पास भी हो सकता था, बट हमने सूजी बनाया। टेस्ट इसका कैसा भी हो, कलर इसका ब्लू आया है, मैं बहुत खुश हूँ। सो टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है। ये अच्छा बना है बट मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे चीनी का माप नहीं पता, मैंने फिर से कम डाल दिया एंड ऊपर से थोड़ा स्प्रिंकल कर लिया है हमने, बट अच्छा है, बट नॉर्मल जो घर पे बनता है उतना अच्छा नहीं है क्योंकि जब नॉर्मल बनता है तो उसमें गाय का दूध या फिर जो अमूल वाला जो लिक्विड फॉर्म में जो दूध मिलता है वो डालते हैं और हमने इसमें जो पाउडर वाला होता है वो डाला है तो उसका थोड़ा सा स्मेल है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है, कलर आ गया, मैं खुश हूँ। सो गाइस हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है एंड फाइनली ये ब्लू फूड चैलेंज खत्म होता है एंड मैं बहुत परेशान थी कि ये फूड चैलेंज कैसा होगा क्योंकि ब्लू बहुत ही ट्रिकी सा एक कलर है, बट आई एम हैप्पी विद दिस चैलेंज। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके पास जो बेल बटन है उसको हिट करके उसको ऑल करना एंड कॉमेंट में बताना कि आगे आपको क्या देखना है। एंड सच्ची बताओ 24 आवर चैलेंज करना बहुत हेडेक का काम है, फिर भी कर लेंगे हम, बट आप कॉमेंट में जरूर बता देना। एंड डू फॉलो माय इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज का लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बस चेक कर लेना। मिलेंगे फिर अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।